Hello friends, welcome back to our channel. This is Virav Studies and in this video we are going to discuss Southern Dynasties. और इसे जो पहले की वीडियोस थी हमने उसमें डिस्कस कर लिया है अप टू सतवाहना पीरियड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चोला पीरियड, चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी एंड पांड्या डायनेस्टी. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So friends, let's head to the topic. So Southern Dynasties की हम बात करेंगे और इसमें हमारे तीन जो important dynasties हैं वो है Chola Dynasty, second है Chera Dynasty और third है Pandya Dynasty. So before going deep into the डीज डायनेस्टीज, हमें ये बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए कि इनका जो एम्पायर का जो एक्सटेंशन थी वो कहाँ तक फैली हुई थी और बेसिकली इनके मैप के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. सो लेट मी ड्रॉ अ मैप. ये हो गया आपका सदर्न इंडिया का मैप और यहाँ पर जो डायनेस्टी थी उसका नाम था चोला डायनेस्टी और यहाँ पर थी पांड्या डायनेस्टी और ये है आपकी चेरा डायनेस्टी. सो फ्रेंड्स, हम जो पहली डायनेस्टी की बात करेंगे वो है चोला डायनेस्टी और इसके जो सबसे इनिशियल रूलर थे उनका नाम था एलोरा, जिन्होंने डिफीट किया था श्रीलंका को और फिर उन्होंने अपनी एक न्यू डायनेस्टी क्रिएट की जिसका नाम था चोला मंडलम और चोला डायनेस्टी. और इसकी जो कैपिटल थी वो थी कावेरी पट्टनम. और ये जो डायनेस्टी फैली हुई थी ये थी फैली हुई वेगई और पेन्नर के बीच में. एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है इनके वो है करिकाल और जिनके बारे में खास बात ये है कि इन्होंने एस्टेब्लिश की थी सिटी ऑफ पुहर, सिटी ऑफ पुहर ऑन रिवर कावेरी. और इस डायनेस्टी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इस डायनेस्टी में एक सिटी थी उरेयर जो थी आपके फेमस कॉटन प्रोडक्शन के लिए और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है उसका नाम है चेरा डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी. और इनके जो रूलर्स थे इनको केरला पुत्रस के नाम से भी जाना जाता था, केरला पुत्रास के नाम से भी जाना जाता था. और इसके जो इनिशियल रूलर थे वो थे उदिन जेरेल और जिनके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने पोर्ट मुजीरी एस्टेब्लिश किया था जिसका मेन पर्पस था टू ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड, टू ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड एंड नेक्स्ट जो इनके इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है सेंगुत्तम. जिन्हें गुड चेरा और रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है, रेड चीरा के नाम से भी जाना जाता है. और इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने एक टेंपल बिल्ड किया था ऑफ गॉडेस कन्नगी जो कि है गॉडेस ऑफ चेस्टिटी. जिसका मतलब होता है प्योरिटी. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पांड्यन डायनेस्टी के बारे में, पांड्यन डायनेस्टी के बारे में.
और इसके जो इनिशियल रूलर थे वो थे मुदुकुमुदी, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मदुरई में। और इस पांडियन डायनेस्टी के बारे में एक खास बात यह है कि इनके टाइम तीन संगम असेंबलीज हुई थी, असेंबली हुई थी, जिसका जो आउटकम था वो था यहाँ पर तमिल लैंग्वेज यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी और बॉर्न हुई थी, ये भी कह सकते हो आप। और इसके दौरान फिर तमिल लिटरेचर लिखे गए, और इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आपके तीन संगम असेंबलीज के बाद में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको दो इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलवर्स एंड नैनास। अलवर्स थे जो थे शिपर्स ऑफ गॉड विष्णु, एंड नैनास थे वो थे वर्शिपर्स ऑफ गॉड शिव। एंड इन नैनास नैनास को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो गॉड शिव थे, जैसे इनकी तीन आंखें हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि नैनास को, क्योंकि नैनास का जो हिंदी मतलब होता है आईज, तो आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हो नैनास को। एंड भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसकी वजह से आपका तमिल जो लैंग्वेज है, इसकी प्रमोशन हुई भक्ति मूवमेंट की वजह से। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है अलवर्स एंड यहाँ पर है नैनास, अलवर्स नैनास, और जैसे कि मैंने पहले बताया ये थे वर्शिपर्स ऑफ गॉड शिव और ये थे वर्शिपर्स ऑफ गॉड विष्णु। तो इनके जो वर्शिपर्स थे, ये अपने जो गॉड है, फॉर एग्जाम्पल गॉड शिव और विष्णु, इनकी वर्शिप करने के लिए कुछ एक पॉइंट क्रिएट करते थे, जिनको कहा जाता था तेवाराम एंड तिवाक्रम। सो ये वर्शिपर्स हैं जो जब भी कभी मूवमेंट करते थे, या तो कहीं पर दूर जगह जाते थे, तो ये पोइम्स रिसाइट करते रहते थे, जिसकी वजह से जो आपके आपके साउथ के जो दूर दूर इलाकों में आपका तमिल लैंग्वेज प्रमोट हुई। सो भक्ति मूवमेंट एक रीज़न कहा जा सकता है कि जिसकी वजह से आपके तमिल लैंग्वेज प्रमोट हुई। इन डायनेस्टिक्स के बारे में खास बात यह है कि इनका जो ट्रेड होता था वो होता था वेस्ट एशिया का, क्योंकि जो ये सदर्न डायनेस्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल दी सदर्न डायनेस्टीज, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो चोला हो, चाहे चेरा हो, या फिर पांड्या डायनेस्टी हो। अब जो सदर्न जो एम्पायर है, सदर्न इंडिया है, ये आपका काफ़ी जो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस है, आपका परिपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पाइस होते हैं, यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, यहाँ पर सेमी और सेमी प्रिशियस स्टोन्स होते थे, सेमी प्रिशियस स्टोन्स। और इनकी वजह से आपका जो ट्रेड होता था वो होता था आपका वेस्ट एशिया से, और वेस्ट एशिया में उस टाइम क्रिश्चियनिटी फ्लरिश हो रही थी। सो ट्रेड एक इम्पोर्टेंट रीजन था जो आपका यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर एंट्रेंस हुई आपका इंडिया में, ट्रेड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट एशिया में आपका क्रिश्चियनिटी फ्लरिश कर रही थी और ट्रेड हो रहा था यहाँ पर इनका सदर्न एम्पायर का वेस्टर्न एशिया से। और इस ट्रेड की वजह से ही जो ये यहाँ के जो एम्पायर थे, जो ट्रेड की वजह से जो मनी क्रिएट होती थी और मनी जो बन मनी आती थी, इसकी वजह से ये जो एम्पायर थे, तीनों एम्पायर, फॉर एग्जांपल चोला, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टी, ये सब काफ़ी वेल्दी हो गए। वन ऑफ द पर्पज वॉज वन ऑफ द रीजन वॉज ट्रेड, एंड ट्रेड वॉज हैपनिंग इन स्पाइसेस, एलिफेंट्स यू कैन कॉल इट, और सेमी और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। एलिफेंट्स के फॉर एग्जाम्पल इनके आप इनके जो दांत होते हैं उनको ट्रेड कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आपका पूरा हाथी ट्रेड हो रहा है, बट इनके जो हाथी
हाथी के जो आपके दांत वगैरह हैं इनको ट्रेड करते थे। एंड इनके टाइम में आपके दो टेक्स्ट दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका शिलाप्राधिकरण, शिलाप्राधिकरण ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, और यहाँ पर है दूसरा मणिमेकलई, मणिमेकलई यहाँ पर बुद्धिस्ट आइडियल्स एक्सपाउंडेड हुए हैं, और यहाँ पर जैन आइडियल्स वो दिखाई पड़ते हैं इन टेक्स्ट में। सो मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जो शिलाप्राधिकरण जो एक स्टोरी है, जो जो कि स्टोरी है कन्नगी कोवलन और माधवी की। सो जो कोवलम थे वो थे आपके एक मर्चेंट के बेटे, और कन्नगी भी मर्चेंट की ही बेटी थी, तो इनके आपस में मैरिज होती है। कोवलम और कन्नगी की आपस में मैरिज होती है, पर जो ये माधवी थी ये काफी एक सुंदर लड़की थी, जिसकी वजह से कोवलम को इनसे प्यार हो जाता है। सो ये अपने पैसा बेचकर या फिर गोल्ड बेचकर इनके साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं माधवी के साथ में, और जब इनका पैसा ख़त्म हो जाता है तो उनको लगता है इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर गॉडेस जो कन्नगी हैं ये इनके पास आती हैं, और ये ट्रैवल दोनों आपस में ट्रैवल करते हैं मदुरई की तरफ दोनों। सो कन्नगी के पास एक एंकलेट थी, एंकलेट को आप पायल भी कह सकते हो, पायल भी कहा जाता है बल्कि। सो गोल्डन और जिसमें काफी मोतियों की माला थी। तो जो मदुरई के जो यहाँ के जो रूलर थे किंग, उनकी जो क्वीन थी उनके पास भी सेम एक पायल थी, एंकलेट थी, जो कि गुम हो जाती है, और ये चोरी की होती है गोल्ड स्मिथ ने, किसी ने। सो इन दोनों की जो जो एंकलेट थी, कन्नगी की एंकलेट और मदुरई के जो राजा है उनकी जो क्वीन, क्वीन की जो एंकलेट थी वो सेम थी। सो राजा एक ऑर्डर देता है, जो भी इस चोर मतलब चोर को पकड़ेगा, जिसने भी इस एंकलेट को चोरी किया होगा उसको डेथ दी जाए, मतलब उनको मार दिया जाए। तो ये क्या करते हैं, तो जो इनके सोल्जर्स होते हैं ये इनको पकड़ लेते हैं कोवलम को, क्योंकि जो इनकी जो वो थी एंकलेट थी वो सेम दिखती थी, तो ये इनको मार देते हैं। तो जब ये बात कन्नगी को पता चलती है तो वे किंग के पास जाते हैं, किंग के पास जाती है कन्नगी, और कन्नगी कहती है ये कैसा जस्टिस है जहाँ पर आप बिना पूछे आपको दंड दे दिया गया है। तो किंग कहते हैं कि थीफ को है वो जरूरी है दंड देना। फिर वो उनकी एंकलेट चेक करते हैं कन्नगी की, तब उन्हें पता लगता है कि ये जो कन्नगी की जो एंकलेट है वो मतलब कोबलम वाली जो अलग थी और जो क्वीन के पास थी वो अलग थी। तो उससे उनको बड़ा बुरा लगता है और वो वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं, पर उससे भी उनका जो गॉड जो कन्नगी है उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं होता है, और वो कहते हैं कि अगर मैंने कभी भी अगर कोबलम को धोखा दिया हो या फिर किसी भी पुरुष के बारे में सोचा हो तो मतलब इस जो मदुरई है यहाँ पर आग लग जानी चाहिए। और ये क्या करते हैं, ये जो एंकलेट को है ये एंकलेट को जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये सिटी थी यहाँ पर आग लग जाती है और ये काफ़ी फैल जाती है। फिर एक गॉडेस अपीयर होती है, फिर वो उनका गुस्सा शांत करती है। सो बेसिकली ये थी एक थोड़ी सी छोटी सी ब्रीफ सी स्टोरी इनके बारे में, शिलाप्राधिकरण के बारे में, जो थी स्टोरी आपकी कोवलम कन्नगी एंड माधवी के बारे में। और जो मणिमेकलई वाली स्टोरी है ये बेसिकली ये जो कन्नगी और ये मणिमेकलई इन्हीं की डॉटर थी, कोवलम और माधवी की डॉटर थी ये मणिमेकलई, और शिलाप्राधिकरण थी वो लिखी गई थी इलांगो एडिकल के द्वारा, इलांगो एडिकल के द्वारा जो थे ब्रदर आपके सेंगुतोम, सिंगुतोम के ब्रदर थे ये, तो इन्होंने लिखी थी इलांगो एडिकल। और आप देख भी सकते हो कि सिंगुतोम है
इन्होंने टेम्पल भी बनाया है, जैसे हमने पहले दिखा था, बात भी की थी। इन्होंने टेम्पल बनाया था गॉडेस ऑफ कन्नगी का। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू इन एनी वे, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो वी कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच एजुकेशनल वीडियोज। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप हमारे वीडियोस चैनल पे जाके कुछ और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपलोड किए हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड पेशेंस विल पे।